हाँ जी गुड गुड इवनिंग इवनिंग सभी सभी को और सभी का स्वागत है क्लासेस के ऑनलाइन पर और हमारी स्पेशल सीरीज जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए शुरू की जा रही है उस सभी में आपका स्वागत है गुरदीप ढाईलो जसप्रीत कौर शोभा रानी बलजीत इंसा बलविंदर बिंदु रोजी रानी सभी को गुड इवनिंग बेटा विश्वजीत शिखा बंसल जसनूर तो सभी पहले छोटा सा काम कर दो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो उसके बाद अपने आज का ये बेहतरीन सेशन शुरू करेंगे और इसमें हम कंप्लीट आज एडजेक्टिव पढ़ने का काम करेंगे डे फर्स्ट है बिल्कुल बेसिक से एडजेक्टिव को पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसके बाद इस टॉपिक की जो पी है वो भी आपको मिल जाएगी प्लस आपको इस टॉपिक के क्वेश्चनस भी मैं करवाऊँगा ठीक है टेस्ट भी होगा आपका तो सारा कंप्लीट अपने इसमें टॉपिक कवर करेंगे तो बेटा फटाफट से एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बेटा जल्दी जल्दी शेयर करके आओ एक बार क्लास को उसके बाद अपने क्लास स्टार्ट करेंगे आज की एक बार फटाफट से शेयर कर दो सारे बच्चे सत श्रीकाल गुड इवनिंग सभी को भाई तो काफी लंबे टाइम से डिमांड थी कि सर टॉपिक्स दोबारा करवा दीजिए तो क्योंकि देखो अब एग्जाम भी है आपका आगे ठीक है एस एस सी सी जी एल के भी फॉर्म्स फिल हो चुके हैं एस एस सी सी एच एस एल के फॉर्म फिल हो रहे हैं ठीक है सेवन मार्च तक उसके लास्ट डेट है भाई जिन बच्चों ने अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक एस एस सी सी एच एस एल के फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो ज़रूर फिल कर दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें ठीक है ना तैयारी शुरू कर दें सभी बच्चे अपनी फटाफट से लाइक शेयर कर दो बेटा वीडियो को फटाफट से संख्या बढ़ जाए उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे बिना संख्या बढ़े क्लास स्टार्ट नहीं होगी ध्यान रखना पहले संख्या बढ़ाओ फटाफट से जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो और मैं बात कर रहा था देखो जिन्होंने सी एच एस एल का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है क्वालिफिकेशन प्लस टू है ठीक है सब्जेक्ट सारे के सारे वही हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो आप पढ़ रहे हो डेली आपकी मैथ्स की क्लास भी होती है ठीक है इंग्लिश की क्लास भी होती है रीजनिंग की क्लास भी होती है तो सारे सब्जेक्ट वही आने हैं आपके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को शेयर करते जाना बेटा सभी चलती लाइव क्लास को भी शेयर कर देना बाद में देखो टॉपिक आज हाँ हमने पढ़ना था एडजेक्टिव का आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव का ठीक है लेकिन मैं आपको सीधा एडजेक्टिव पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस टॉपिक से पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं जिसका नाम है नाउन ठीक है भाई जब भी हम एडजेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम क्या पढ़ते हैं एडजेक्टिव से पहले हम नाउन पढ़ते हैं तो क्योंकि आज हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको नाउन कंप्लीट तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन नाउन के कुछ बातें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा जो हमारे एडजेक्टिव के अंदर इंपॉर्टेंट है हमें पता होनी चाहिए ठीक है भाई तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा नाउन का इंट्रोडक्शन करेंगे अपने उसके बाद हम अपने एडजेक्टिव के टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे तो देखो आपको नाउन का जो टॉपिक होता है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ है बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो है ये वाली जो आपको ऊपर हेडिंग नजर आ रही है हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन ठीक है आपको नाउन के टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ यह सीखना है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है बेटा शेयर शेयर करते जाओ क्लास को शेयर करोगे दबा के तो टॉपिक होगा डेली क्लास में ठीक है डेली मैं लाइव आऊंगा डेली आपको टॉपिक करवाऊंगा लेकिन शेयर नहीं करोगे ऐसी संख्या रखोगे फिर मैं लाइव नहीं आऊंगा देखो ठीक है ना लाइव आने का मतलब है कि मेरे लाइव आते ही सो बच्चा क्लास में जुड़ जाए फिर पढ़ाने का मजा आता है मुझे ठीक है ना अगर आप लाइक नहीं करोगे इतने ही बच्चे रहोगे फिर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं यार आपको ठीक है फिर तो अपना बैच चल ही रहा है देखो पेड़ में है ना तो वहाँ बच्चे पढ़ ही रहे हैं सारे के सारे फ्री में अगर आ रहा हूं तो देखो फ्री की फीस यही होती है आपकी अगर आप YouTube पे जाते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगे आपकी तो उसकी फीस आपकी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो आपको फायदा होगा ठीक है तो देखो क्या लिखा है यहां पे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन ठीक है तो देखो सबसे पहले मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूँ वैसे सारे बच्चे जो भी पढ़े हुए हैं सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना क्योंकि अगर कोई नया बच्चा भी क्लास लगा रहा है तो उसे भी ये चीजें पता होनी चाहिए ठीक है बेटा तो देखो नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है मैं छोटी सी डिस्कशन करूंगा उसके बाद हम एडजेक्टिव के चैप्टर पे चलेंगे ठीक है बेटा तो यहां पे देखिए जब भी हमको ये कहा जाए कि बेटा किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने तीन क्वेश्चन वर्ड के बारे में सुना है एक तो वट दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा हु से और तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा होम से जब भी हम इन तीनों से क्वेश्चन करें जब भी हम इन तीनों से क्वेश्चन करें और उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो होगी नाउन ठीक है भाई नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि वट और Who होम तीन क्वेश्चन वर्ड याद रखने हैं और इन तीनों क्वेश्चन वर्ड से जब हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो क्या होगा तो आपको नाउन आइडेंटिफाई हो सकती है ठीक है चलो क्वेश्चन पूछ के देखते देखो सबसे पहले क्या लिखा है शिखा डिमांडेड अड्रेस ठीक है भाई शिखा डिमांडेड अड्रेस एक बच्चा कह रहा है कि सर कैप जो पीछे आपके कोर्ट पे कैप लगी है उसको क्या करो उतार दो लो बेटा यार तू टय का टेंशन लेता देखा अभी अपने कोट उतार देते हैं पूरा तू कैप की बात कर रहे है यार, है? कैप की बात कर अपने पूरा कोट उतार देंगे टेंशन मत ले बिल्कुल भी ठीक है ना बच्चे यार तुम तुम कितना ध्यान ध्यान रखते रखते हो हो ना ना ड्रेसिंग सेंस का कि क्या चीज गड़बड़ कर रही है क्या चीज गड़बड़ नहीं कर रही है चलो बेटा एक बार शेयर करो फटाफट से एक बार देखो तो मैंने आपको क्या बताया बेटा देखो कि जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं किससे वट से हो से या फिर होम से ठीक है वट से हो से या फिर होम से तो क्या होता है जब इनसे हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना बेटा हमारा जो आंसर आएगा चलो बेटा कोई बात नहीं बेटा किसी की डिमांड होती है टेंशन ना लिया करो ठीक है किसी की डिमांड होती है पूरी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है वैसे ही मुझे गर्मी लग रही थी चलो अब ठीक है बेटा ओके है कहानी सेट है तो देखो नाउन को ढूंढने के लिए तीन क्वेश्चन वर्ड बताए हैं क्या लिखा है शिखा डिमांडेड ड्रेस तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा कि हु डिमांडेड ड्रेस तो इस हु का आंसर हमें किसने दिया इस हु का आंसर हमें दिया क्या आंसर दिया शिखा किसने डिमांड की आपने कहा शिखा ने ठीक है हु डिमांडेड तो हु का आंसर आया शिखा फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सर मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि शिखा डिमांडेड व्हाट शिखा ने क्या डिमांड की तो आपका आंसर आएगा ड्रेस तो देखो ये हमें आंसर किसका दे रहा है वट का और ये हमें आंसर किसका दे रहा है who का। तो बेटा ये दोनों सेंटेंस में हमारी क्या होगी नाउन होगी ये दोनों के दोनों हमारे सेंटेंस में क्या होगे नाउन हो ठीक है भाई बात समझ आ गई सबको यहां तक अब दूसरे सेंटेंस में देखो क्या लिखा है अजय सोल्ड अ बाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा हु बाइक हू तो हु का आंसर क्या आएगा अजय और अगर आपसे पूछा जाए अजय सोल्ड तो अजय ने क्या बेचा तो आप कहोगे सर बाइक ठीक है बेटा कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर देखकर सिर्फ देखकर ये ना बताओ कि ये नाउन है आपको नाउन को चेक करना आना चाहिए नाउन को आप पहचानना सीखो कि नाउन कैसे पहचानी जाती है ठीक है नाउन को कैसे पहचानना है ये जरूरी है देखते तुक्के नहीं लगाने कि सर ये नाउन है ये नाउन है ठीक है अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा है द ट्रेन द ट्रेन रीच द स्टेशन अब अगर पूछा जाए कि वट रीच द स्टेशन वट तो वट का आंसर आएगा ये ट्रेन तो ये होगी जी बेटा आपकी नाउन ठीक है ट्रेन रीच वेयर अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा ट्रेन रीच वेयर अब देखो ये जो स्टेशन है ना ये आपको आंसर किसका दे रहा है ये आपको आंसर वेयर का दे रहा है किसका आंसर दे रहा है वेयर का आंसर दे रहा है और वेयर का जो आंसर होता है ना वो बेटा कभी भी नाउन नहीं होती वेयर का आंसर हाउ का आंसर जो होते हैं वो एडवर्ब होती हैं ठीक है ना तो ये स्टेशन जो लिखा है ये एडवर्ब हो सकती है ये नाउन इस सेंटेंस में नहीं हो सकती ठीक है ये नाउन नहीं हो सकती वट रीच द स्टेशन ये बिल्कुल ठीक है ट्रेन आएगा लेकिन ट्रेन रीच वेयर तो स्टेशन जो है वो वेयर का आंसर है और वेयर का आंसर नाउन नहीं होती ठीक है भाई अब देखो आगे क्या है प्रिया वेंट होम तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु वेंट होम तो का आंसर कौन देगा प्रिया और प्रिया वेयर वही फिर से क्वेश्चन बनेगा कि प्रिया वेयर ठीक है प्रिया तो प्रिया प्रिया तो बेटा जो जो है प्रिया जो है वो कहां गई है कहां गई है घर तो बेटा घर गई है तो ये वेयर का आंसर होने के कारण ये होम जो है ये आपका नाउन नहीं है ये होम आपका नाउन नहीं है ठीक है ना देखो मैं नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्यों बता रहा हूं कारण जिस बच्चे को नाउन नहीं आता आइडेंटिफाई करना उसे कभी भी एडजेक्टिव नहीं आएगा अभी पांच मिनट के बाद जब आप एडजेक्टिव करने बैठोगे तो एडजेक्टिव उस बच्चे को समझ में आएगा जिसने नाउन समझ लिया जिसने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया नहीं तो बेहोश हो जाओगे वहां जाके ठीक है अगला देखो क्या लिखा है प्रिया लव्स हर होम अब देखो इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछ के देखोगे तो क्या आएगा हु लव्स हर होम तो हु हो का आंसर दे रही है आपकी ये प्रिया ठीक है और प्रिया लव्स व्हाट प्रिया लव्स व्हाट तो व्हाट का आंसर क्या आ रहा है होम आ रहा है अब देखो यहां भी होम लिखा है यहां भी होम लिखा है लेकिन ये जो होम है ये हमें वेयर का आंसर दे रहा था और नीचे वाले सेंटेंस में यही होम हमें किसका आंसर दे रहा है व्हाट का आंसर दे रहा है तो एक ही वर्ड एक ही वर्ड अलग-अलग सेंटेंस के अंदर अलग-अलग पार्ट ऑफ स्पीच बनकर काम कर सकता है एक ही सेंटेंस में एक वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच बनकर काम कर सकता है इसलिए किसी भी वर्ड को देखने से सिर्फ ये मत कहो कि सर ये नाउन है ठीक है ऐसा नहीं होगा आप जब तक उसका क्वेश्चन पुट करके नहीं देखोगे आप ये नहीं पूछ के देखोगे कि वट से आंसर आ रहा है हो से आंसर आ रहा है या होम से आंसर आ रहा है तब तक आपको नाउन का पता नहीं लगेगा ठीक है बेटा अगला सेंटेंस देखो एक बार मुझे बता दो इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी नाउन है मुझे क्ल क्लैरिफाई हो जाए कि ठीक है भाई आपको समझ में आ रहा है एक बार फटाफट से बताओ द बॉय रीच द एयरपोर्ट इसमें आपकी नाउन कौन सी है प्लीज फटाफट से कमेंट करके बताओ और भी जितने बच्चे जुड़ चुके हो वीडियो को बेटा शेयर कर दो फटाफट से जाकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो में जुड़ पाए आज के सेशन में जुड़ पाए और वो अच्छे एडजेक्टिव को अच्छे से सीख पाए ठीक है बेटा एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है लाइक like शेयर कर दो लाइक like शेयर करते रहोगे तो देखो बहुत अच्छा सेशन चलेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी फटाफट से लाइक like शेयर करते जाओ सारे बच्चे अभी मैं सो का आंकड़ा देखना चाहता हूं यहाँ पे ऊपर लाइव में सो हो जाने चाहिए वेरी गुड तो सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा हमने क्वेश्चन पूछा हु रीच द एयरपोर्ट तो हु का आंसर दिया बॉय ने और अगर मैं आपसे पूछूं द बॉय रीच वेयर तो ये एयरपोर्ट जो है ये वेयर का आंसर है और वेयर का आंसर होने के कारण ये हमारी नाउन नहीं है ठीक है ये हमारी नाउन नहीं है अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन में लिखा था किरण तो अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि हु तो आंसर आया किरण और पूछा मैंने किरण sang what तो आंसर आया सोंग तो इसमें आपकी दो नाउन है एक किरण और दूसरा है आपकी नाउन कौन सी सोंग ठीक है बेटा ये एक छोटी सी डिस्कशन थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए इतनी सी जानकारी तो आपको नाउन के बारे में जरूर होनी चाहिए ठीक है आपने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर देखे अभी जो प्रीवियस अभी पंजाब के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं आपने हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन नोटिस किया होगा कि हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ इसमें नाउन कौन सा है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है इसमें एडवर्ब कौन सी है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे ठीक है और मैं अपने हर टॉपिक के अंदर आपको ये चीजें सिखाता हूं कि बेटा किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एडजेक्टिव का कैसे पता लगता है एडवर्ब का कैसे पता लगता है तो ये चीजें आपके काम भी आएंगी पेपर में क्वेश्चन भी आएगा ठीक है ना तो इसको हल्के में ना लें चीजों को सीखने का काम करें और जब भी आप क्लास लगाते हो जब भी आप क्लास लगाते हो बेटा तो क्लास को सुना करो ध्यान से पहले ठीक है अगर कोई बच्चा साथ साथ नोट्स बना रहा है तो नोट्स बनाओ मत पहले क्लास को सुनो पहले चीज़ों को समझो आंसर देने का काम करो ठीक है उसके बाद दोबारा क्लास देखा करो फिर अपने नोट्स तैयार कर लो जो भी आपको करने हैं ठीक है, है? चलिए जी ये बात एक बार मुझे बता दो बेटा सबको समझ में आ गई अगर आज के बाद मैं कभी भी आपसे पूछ लू कि बेटा इस सेंटेंस में नाउन कौन सी है तो ढूंढ के बता दोगे ना मुझे बताओ फटाफट से ढूंढ के बता दोगे बताओ अगर आज के बाद कभी भी आपसे यह पूछ लिया जाए कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सी है तो ढूंढ लोगे सभी फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी जल्दी चलिए जी वेरी गुड तो कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं कि सर ठीक है ओके है समझ आ गया यहाँ तक की बात तो ये छोटी सी डिस्कशन थी लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेक्टिव ठीक है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं एजेक्टिव इसके अंदर जो डी लिखा होता है ये जो डी आ रहा है बेटा ये साइलेंट होता है इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है एजेक्टिव ठीक है ना देखो वो कैब जो है ना वो कैब और आपका प्रोनाशिएशन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है ना आपको पता है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं एसएससी के अंदर उसके अंदर जो वोकैब का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वोकैब आपको आनी भी चाहिए जब आप आप नॉर्मली आजकल किसी से कन्वर्सेशन करते हैं बातचीत करते हैं तो आजकल जमाना वो कैब का है ठीक है ना आपको नए नए वर्ड्स के सिनोनिम्स पता होने चाहिए आपकी उससे क्या होती है रेपुटेशन बढ़ती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बढ़ता है उससे ठीक है अभी मेरा एक दोस्त उल्टी कर रहा था मैंने उसका उसको ऐसे मैंने पूछा मैं क्या आर यू वोमिटिंग कहता नो आई एम प्यूकिंग मैंने कहा ये कब हो गया यार है मैंने तो वॉमिट ही सुना था आज तक ये नया ही वर्ड आ गया प्यू क्यों क्यों अच्छा नहीं था तो आजकल लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं मतलब नए नए वर्ड्स लेकर आते हैं नए नए वर्ड्स के सिनोनिम्स आपने देखा होगा कि कोई वर्ड है तो उसका नया सिनोनिम ढूंढ के लाते हो इसको ट्रेंडिंग में ला देते हैं ठीक है ना अब उल्टी वॉमिट शब्द इतना अच्छा था भाई क्या दिक्कत थी वॉमिट शब्द के अंदर नहीं कहते वॉमिट पुराना हो चुका है सुन सुन के थक चुके हैं वॉमिट सुन के वॉमिट आने लग जाती है तो भाई नया वर्ड ले आए लेकिन ये होता पता है क्या ये होता सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ही है ना अब कुत्ता देख लो अभी कुत्ता सारा दिन वो, वो करता है है ना कितने जमाने से वो वो करता आ रहा है एक ही लैंग्वेज है बेचारे की एक ही लैंग्वेज पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही लैंग्वेज बोलता है वह उसके अलावा बेचारे की कोई लैंग्वेज ही नहीं है लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम वो बोलते हैं तो हम अपनी वो का प्रोनन्सिएशन ही गलत कर देते हैं कैसे प्रोनन्सिएशन करते हैं अभी हम पार्किंग से निकले तो मैंने पूछा भाई तेरे को पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दे दी तो कहता अनपढ़ गवार आदमी कहता रिसिप्ट नहीं होता रिसिट होता है मैंने कहा अच्छा अब वो तो चलो मेरा दोस्त था उसने मेरे मुंह पे कह दिया कि ठीक है भाई रिसिप्ट नहीं होता रिसिट होता है ठीक है लेकिन क्या होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कईयों के सामने आप बोलोगे ना कि रिसिप्ट तो उनके मन में ऐसा होता है पता नहीं हमने कौन सा घोर अपराध कर दिया कौन सा पाप कर दिया कौन से कर्म कांड कर दिए वो सोचते यार इसको इसको क्या हो गया इसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती इसको प्रोनाउंसिएशन बोलना नहीं आता इसको कैसे बोलते हैं रिसिप्ट बोल रहा है ठीक है तो ऐसे आदमी पता है क्या करते हैं ऐसे आदमी आपको ये नहीं कहेंगे तू गलत बोल रहा है वो एक सेंटेंस बनाएंगे सेंटेंस बनाएंगे उस उस के अंदर उस वर्ड को डालेंगे और फिर आपको सुनाएंगे आपकी बेस्ती करेंगे ठीक है आपको सीधा सीधा नहीं कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हो ठीक है आपने कहा कि तो उसने रिसिप्ट नहीं दी ना यार मुझे तो उसने रिसिप्ट नहीं दी तुझे दे दी रिसिप्ट तो उसको दोबारा बोल के बताते भी तू गलत बोल रहा है ठीक है ना तो ऐसा है वो कैब को जितना आप सुनेंगे जितना आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो कैब आपकी अच्छी होती है प्रोनाशिएशन आपका अच्छा होता है ठीक है तो देखो नाम क्या है टॉपिक का नाम था एजेक्टिव अब एजेक्टिव होता क्या है सबसे पहला क्वेश्चन ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एजेक्टिव बला क्या है क्या होता है एजेक्टिव तो बेटा एजेक्टिव जो है वो क्या करता है ये बताता है क्वालिटी क्या बताता है ये क्वालिटी बताता है ठीक है ना अब क्वालिटी बताता किसकी है हाँ, प्यार से बेजती की जाती है बेटा क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज ही प्यार वाली है ना इंग्लिश को जितना प्यार से बोलोगे उतना मजा आता है अब एक आप इसको कहते हो सर तुम एडजेक्टिव कदों कराओगे कैसा लगता है देखो बोलने में एडजेक्टिव कदों कराओगे है ना एक देखो कितना प्यार से एक लड़की से एक लड़की मान लो बोल के देखे सर एजेक्टिव कब कराओगे कितना मजा आता है देखो सर एजेक्टिव कब कराओगे है ना आपको लगेगा दिल खुश हो गया आपका ठीक है तो इंग्लिश प्यारी लैंग्वेज है प्यार से बोलो बड़ा मजा आता है प्यार से बोलने में ठीक है तो एजेक्टिव की डेफिनेशन पर अगर हम आए तो एडजेक्टिव क्या होता है बेटा देखो एजेक्टिव होता है कि ये क्या करता है क्वालिटी बताता है क्या बताता है भाई क्वालिटी बताता है अब क्वेश्चन उठता है कि क्वालिटी बताता किसकी है क्वालिटी किसकी बताता है तो यहां पे वर्ड आता है ये क्वालिटी किसकी बताता है ये क्वालिटी बताता है नाउन की किसकी क्वालिटी बताता है नाउन की और जब हम नाउन बोलते हैं ना तो इसके साथ एक वर्ड तो पक्का जुड़ा ही होता है कौन सा कौन सा प्रोनाउन ठीक है और प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता होगी क्या होती है प्रोनाउन की डेफिनेशन पता होगी आपको क्या होती है ये नाउन का प्रोवर्जन है ये नाउन का प्रोवर्जन है यानी जहां पे हम नाउन को यूज कर सकते हैं उसी की जगह हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं ठीक है ना नाउन अगर यूज हो सकता है तो उसकी जगह प्रोनाउन भी यूज हो सकता है तो अगर कोई एजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है तो भाई साहब वो प्रोनाउन की भी बता सकता है ठीक है अगर कोई एजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताएगा तो इसका मतलब वो उन की क्वालिटी भी बता सकता है तो ये होगी हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी डेफिनेशन क्या डेफिनेशन हुई कि सर एडजेक्टिव क्या काम करता है एडजेक्टिव जो है वो है वो क्वालिटी बताता किसकी नाउन की या फिर किसकी की या तो नाउन की या फिर किसकी प्रोनाउन की बस इतनी सी बात थी अब नाउन कैसे ढूंढते हैं ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है ना आज से 400 साल पहले भी आपने नाउन पढ़ी थी तो उसमें भी आपने सीखा था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आज भी हमने पांच मिनट पहले सीखा कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है अब चलो ठीक है भाई। नाउन करनी हमें आती है, तो अब उस नाउन के जरिए हम एजेक्टिव ढूंढने का काम करते हैं चलो जी पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है देखो कि राम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना बहुत मस्त चीज बताने वाला हूं अभी मैं आपको ठीक है आपका वैलेंटाइन डे खराब नहीं होगा इतनी मस्त चीज बताऊंगा ठीक है राम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय पहले मुझे बेटा इतनी सी बात बता दो कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन कौन कौन सी है मैं एडजेक्टिव नहीं पूछ रहा आपसे आपसे मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि मुझे यह बता दो कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन कितनी है कौन कौन सी नाउन है फटाफट से बताओ बेटा फटाफट से बताओ कि नाउन कौन कौन सी है मैं एडजेक्टिव नहीं पूछ रहा जसनूर नहीं पूछ रहा बेटा मैं एडजेक्टिव कौन सा है मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें नाउन कौन कौन सी है आप एडजेक्टिव बता रहे हो यार हैं बड़े तेज हो रहे हो आजकल मैं पूछ रहा हूं नाउन कौन सी है राम इज अ अस्ट्रॉन्ग बॉय सिर्फ नाउन सिर्फ नाउन वेरी गुड तो देखो नाउन अभी हमने ढूंढना सीखा था अगर मैं पूछू हु इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय तो हु का आंसर आ रहा है राम और राम इज वाट राम इज अ बॉय ठीक है तो ये होगी बेटा हमारी दोनों नाउन ठीक है ये होगी जी हमारी दोनों नाउन अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what kind of boy? कैसा लड़का है आप कहेंगे सर लड़का कैसा है स्ट्रॉन्ग है तो ये इस बॉय की यानी कि नाउन की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है तो ये हो गया जी हमारा क्या एजेक्टिव क्या हो गया जी हमारा एजेक्टिव हो गया बात समझ में आ गई नाउन की क्वालिटी बताने का काम कर रहा था ये वर्ड इसको हमने क्या बना दिया एजेक्टिव बना दिया बात क्लियर हो गई अब यहां से एक नई बात हमें समझनी है देखो ये लिखी थी नाउन और ये आ गया जी नाउन से पहले क्या चीज एजेक्टिव आ गया तो अब हमें यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलती है कि जो हमारे एजेक्टिव होते हैं ना वो दो तरीके से फंक्शन करते हैं जो भी हमारे एजेक्टिव होंगे बेटा वो दो तरीके से फंक्शन करते हैं दो तरीके से कैसे फंक्शन करते हैं एक फंक्शन इनका होता है जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है एट्रीब्यूटिव फंक्शन ठीक है एंड द सेकेंड फंक्शन इज प्रेडिकेटिव फंक्शन ठीक है तो एक एक करके इन दोनों फंक्शन को समझने का काम करना कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करता है और आपका प्रेडिकेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो कैसे फंक्शन करता है देखो अगर आपको कभी भी अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर क्या लिखी मिल जाए नाउन लिखी मिल जाए क्या लिखी मिल जाए नाउन लिखी मिल जाए और इस नाउन से पहले आपको क्या लिखा, लिखा मिल जाए एजेक्टिव लिखा हुआ मिल जाए ठीक है इस नाउन से पहले आपको एजेक्टिव लिखा हुआ मिल जाए तो जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखा हुआ आता है जब कोई एज्जिव नाउन से पहले लिखा हुआ आता है तो उसे हम ना एडजेक्टिव का कौन सा फंक्शन कहते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन ठीक है बेटा जब भी कोई एजेक्टिव नाउन से पहले लिखा आएगा तो उसे हम एजेक्टिव का कौन सा फंक्शन कहते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन ठीक है भाई एट्री फंक्शन होता है अब देखो एक बहुत मजे की बात बताता हूं देखो ये नाउन थी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए हमारे पास क्या आ गया एजेक्टिव आ गया अब देखो क्या होता है आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आर्टिकल का आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आर्टिकल का ठीक है ध्यान से सुनना आर्टिकल की एक छोटी सी बात बता रहा हूं जो आपको आगे काम आएगी ठीक है अगर आपकी ये जो नाउन है ये जो नाउन है अगर ये नाउन आपकी कैसी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कैसी नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम इस एजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं हम इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं ठीक है अगर मान लो इसी तरीके से हमें नाउन दी हो इसी तरीके से हमें नाउन दी हो और नाउन से पहले क्या दिया हो नाउन से पहले अगर हमें एडजेक्टिव दिया हो तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा नाउन से पहले एडजेक्टिव नजर आ रहा है ये एडजेक्टिव का कौन सा फंक्शन है ये एडजेक्टिव का कौन सा फंक्शन है तो आपको याद आ जाएगा कि सर अगर नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव फंक्शन है ठीक है भाई अब अगर मैं कह दूं ये नाउन जो है ना ये कैसी नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है इस बार जो नाउन हमें दी है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन दी हुई है तो याद रखना जब नाउन आपकी प्लूरल होगी तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब आपकी नाउन प्लूरल होगी तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं क्लियर होगी बात अगर मान लो इसी तरीके से हमें फिर से नाउन दी हो हमें फिर से नाउन दी हो और इस नाउन से पहले हमें फिर से क्या दिया हो एजेक्टिव दिया हो इस नाउन से पहले हमें फिर से एजेक्टिव दिया हो अब मैं आपसे फिर पूछ लूं कि बेटा ये नाउन से पहले जो आ रही है ये कौन सा फंक्शन है तो आप कहोगे सर ये कौन सा फंक्शन है एट्रीब्यूटिव फंक्शन है कैसा फंक्शन है ये एट्रीब्यूटिव ठीक है अब अगर ये एट्रीब्यूटिव फंक्शन है और इस बार जो हमें नाउन दी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है कैसी नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है तो याद रखना जब नाउन अनकाउंटेबल होगी तो भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं तो यहां से एक छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है कि ये जो आर्टिकल ए और एन लगता है ना ये सिर्फ और सिर्फ कैसी नाउन के साथ लगता है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है कैसी नाउन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम सिर्फ ए और एन लगाते हैं ठीक है भाई अब आपको एक एक करके मैं जो सेंटेंस पूछूंगा उनको आप चेक करते जाना और उनके अंदर क्या गलतियां हैं ये देखते जाना तो देखो सबसे पहले हमने ये देखा ये नाउन है ये नाउन है कोई दिक्कत नहीं है बॉय कैसा है उसकी क्वालिटी बताई गई है स्ट्रॉन्ग है अब अगर ये नाउन से पहले एजेक्टिव आ रहा है तो इसका फंक्शन कैसा हुआ ये हुआ एट्रीब्यूटिव क्या हुआ ये एट्रीब्यूटिव हुआ अब अगर हम इस बॉय की तरफ ध्यान दें तो ये हमारा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ठीक है और सिंगुलर काउंटेबल होने की वजह से हमने आर्टिकल कौन सा लगा दिया ए लगा दिया तो लो जी ये हो गया इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम हो गया भाई पोस्टमार्टम सारी चीजें समझ में आ गई अब आप पूछोगे सर ये इज क्यों लगा हुआ है तो राम जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब आ गई आपके लिए हो गया सेंटेंस का पोस्टमार्टम सारी चीजें समझ में आ गई राम क्या है नाउन है बॉय क्या है नाउन है स्ट्रोंग क्या है एजेक्टिव है ए क्या है आर्टिकल है ए आर्टिकल क्यों लगा है क्योंकि नाउन हमारी सिंगुलर काउंटेबल है इसलिए लगा है ठीक है जी सारी चीजें समझ में आ गई ये सारी चीजें एक साथ पैरेलल चलती हैं तो मजा आता है ठीक है ना तो बच्चे का दिमाग खुलता है भाई मैं कौन सी चीज को क्यों लगा रहा हूं किस लिए लगा रहा हूं उसको समझ में आती है नहीं तो फिर रट्टा रटाने का काम है वो आप कर ही सकते हो वो आपको अच्छे से आता ही है ठीक है चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो बताओ बेटा इसमें नाउन कौन कौन सी है सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन जो लिखा है प्रीति वॉर ब्यूटीफुल ड्रेस इसके अंदर नाउन कौन कौन सी है प्लीज एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो प्रीति वॉर ब्यूटीफुल ड्रेस इसमें नाउन कौन कौन सी है लाइक शेयर करते जाओ बेटा जो लाइक शेयर नहीं करेगा तो मत करना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन कर दो ठीक है और जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो डेली क्लास होगी आपकी इंग्लिश की और टॉपिक्स इसमें हम करेंगे और आज आपके लिए एक ऑफर भी है वो भी दिखा के जाऊंगा आपको क्लास के लास्ट में बेटा ठीक है हां जी तो वेरी गुड सबने बता दिया है कि एक तो सर इसमें नाउन है प्रीति प्रीति ठीक है प्रीति कौन सी प्रीति कबीर दास की प्रीति ठीक है तो ये हो गया दूसरा नाउन आपकी ड्रेस ठीक है भाई एक होगी प्रीति एक होगी ड्रेस दो नाउन होगी अब अगर मैं आपसे पूछू ड्रेस कैसी है तो आप कहोगे सर ड्रेस ब्यूटीफुल है यानी कि इस नाउन की हमें क्वालिटी बताई गई है कि वो ड्रेस कैसी है ब्यूटीफुल है अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव तो है क्योंकि क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव का कौन सा फंक्शन है तो ये एट्री ब्यूटी फंक्शन है कौन सा फंक्शन है ये एट्री ब्यूटी फंक्शन है और अभी हमने पढ़ा था कि जब एट्री ब्यूटी फंक्शन होता है अब ये नाउन कैसी है ये है जी हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो नाउन जब सिंगुलर काउंटेबल है तो यहां पे हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा कौन सा ए क्या लिखेंगे प्रीति wore आ ब्यूटीफुल ड्रेस क्या लिखेंगे प्रीति वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस ये आपका सही सेंटेंस बनेगा बोलो बात समझ में आई सबको बात समझ में आई बेटा एक बार प्लीज फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से ड्रेस जो है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन था इसी वजह से हमने उसके पहले ब्यूटीफुल के पहले क्या लगा दिया आर्टिकल लगा दिया विश्वजीत जी मोर ब्यूटीफुल नहीं आएगा बेटा मोर ब्यूटीफुल का मतलब तो कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है वो आगे पढ़ेंगे मोर ब्यूटीफुल वाली कहानी हम ठीक है अभी कोई मोर मोर नहीं आएगा कोई कौआ चिड़िया नहीं आएगी अभी सिर्फ आपको आर्टिकल लगाना था ए वो आएगा ठीक है भाई और आर्टिकल क्यों आएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन थी अगला सेंटेंस पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है देयर इज अज ट्रैफिक इसमें मुझे एडजेक्टिव ढूंढ के बताना बेटा कौन सा है इसमें मुझे इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ढूंढ के बता दो एक बार कौन सा है फटाफट से सारे बच्चे ढूंढ के बताओ ये जो सेंटेंस लिखा है नंबर थर्ड देयर इज अज ट्रैफिक इसमें आपका एडजेक्टिव कौन सा है प्लीज फाइंड आउट करो जल्दी से जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटा जल्दी जल्दी देयर इज अज ट्रैफिक एडजेक्टिव बताना है, executive कौन सा है There is a huge traffic में executive कौन सा है Very good. तो क्या है बेटा, noun है एक noun है तो क्या बेटा एक और नाउन से पहले हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि ट्रैफिक कैसा है Hughes है ट्रैफिक कैसा है Hughes है अब अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रैफिक जो नाउन लिखी हुई है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है एक बार मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से ये जो ट्रैफिक लिखा हुआ है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है प्लीज कमेंट करो फटाफट काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैसी नाउन है ये जल्दी बताओ जल्दी वेरी गुड एक बच्चे ने पूरा का पूरा आंसर भी लिख दिया है शाबाश तो देखो ट्रैफिक जो है वो अनकाउंटेबल होता है ट्रैफिक क्या होता है अनकाउंटेबल अगर आपने कभी पहले नाउन की क्लास लगाई है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी अगर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर आइडेंटिफिकेशन करना हो कि कौन सी नाउन काउंटेबल है कौन सी नाउन अनकाउंटेबल है तो आप एक छोटा सा काम करके देख सकते हो आप उस नाउन को प्लुरल करके देख लो है ना भाई आप उस नाउन को प्लुरल करके देख लो अगर उसका प्लुरल बन जाए तो वो काउंटेबल है अगर उसका प्लूरल ना बने तो वो अनकाउंटेबल है अब आप कहोगे सर प्लूरल कैसे करते हैं अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो हम किसी भी नाउन के साथ एस या ई एस जोड़कर उसको प्लूरल करते हैं क्या जोड़ते हैं एस या ई एस जोड़ के हम उसको प्लूरल करते हैं पता है ना सभी को अब अगर मैं बोलूं बॉय आपने कहा बॉयज हो गया प्लूरल मतलब काउंटेबल है मैंने कहा गर्ल आपने कहा गर्ल्स हो गया प्लूरल मतलब काउंटेबल है मैंने कहा मैंगो आपने कहा मैंगोज हो गया प्लूरल मतलब काउंटेबल है मैंने कहा ट्रैफिक आपने कहा हैं मैंने कहा मनी आपने कहा मनीज मैंने कहा मिल्क आपने कहा मिल्क्स तो अब आपको लगेगा कि नहीं सर कुछ गड़बड़ है अब जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो प्लूरल नहीं हो सकते हैं ठीक है मिल्क milk का मिल्क्स नहीं हो सकता मनी money का मनीज नहीं हो सकता ट्रैफिक का ट्रैफिक नहीं हो सकता तो अगर इनका प्लूरल नहीं हो सकता अगर इनका प्लुरल नहीं हो सकता इट मींस ये अनकाउंटेबल है तो जब आपका ट्रैफिक कैसी नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है तो इस आर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है इस आर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है बात समझ में आ गई बच्चों ठीक है कि कब आर्टिकल लगाना है जब नाउन कैसी होगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अगर नाउन हुई कैसी अनकाउंटेबल नाउन तो फिर हमें क्या नहीं करना तो फिर हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है ठीक है इसी तरीके से देखो ये वाला सेंटेंस है इस सेंटेंस को देखो शी ऑन एक्सपेंसिव ज्वेलरी ठीक है शी ऑन एक्सपेंसिव ज्वेलरी इसमें बेटा बताना कौन सा एडजेक्टिव है एक बार इस सेंटेंस के अंदर फटाफट से बताओ कौन सा एडजेक्टिव कौन सा इसके अंदर शी ऑन एक्सपेंसिव ज्वेलरी इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटा सभी बच्चे एक बार फटाफट से लाइक शेयर करते जाओ बेटा वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी बच्चे जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर भी करते जाओ साथ साथ में शेयर कर दिया करो जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है स्टेटस लगा दिया करो वहाँ पे टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्टेड हो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो वेरी गुड तो यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है वो बाद में बताएंगे पहले ही देखो ये ज्वेलरी जो है ये क्या चीज़ है नाउन है ज्वेलरी नाउन है और ज्वेलरी कैसी है एक्सपेंसिव है तो ये एक्सपेंसिव क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया एक्सपेंसिव क्या हो गया एजेक्टिव हो गया कौन से वाला एट्रीब्यूटिव वाला ठीक है एट्रीब्यूटिव हो गया वेरी गुड संदीप कौर इन्होंने साथ में लिख कर भी बताया कि एट्रीब्यूटिव है वेरी गुड तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया अब ज्वेलरी की अगर बात करें तो ज्वेलरी भी हमारी एक अनकाउंटेबल नाउन है और नाउन अगर हमारी अनकाउंटेबल है बेटा तो आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं थी तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है ठीक है ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन है ये आपका एजेक्टिव है यह आपका प्रोनाउन है और यह आपकी एक सिंगुलर वर्ब है ठीक है जी सारी चीजें खत्म होगी अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा है मोहन हैज अ गुड गुड फ्रेंड्स 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 अब ये friends क्या चीज है ये noun है नाउन कैसे हैं तो ये adjective हो गया ये आपका एजेक्टिव हो गया कैसा एजेक्टिव है कैसा फंक्शन है तो यह एट्रीब्यूटिव फंक्शन हो गया ठीक है अब अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि बेटा ये आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा एक बार प्लीज कमेंट करके बता दो ठीक है एक बार प्लीज कमेंट करके बता दो कि ये लास्ट सेंटेंस में आर्टिकल जो है ये आएगा कि नहीं आएगा प्लीज कमेंट करके बताओ फटाफट से जल्दी बताओ जल्दी सिर्फ ये बताना है कि आर्टिकल जो है वो आएगा कि नहीं आएगा ये जो आर्टिकल लगा हुआ है ए ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वेरी गुड तो सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं आना चाहिए तो कारण भी पता होगा सबको कि इस बार जो नाउन हमें दी है वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसी नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो उसकी वजह से हमें इस आर्टिकल की ए की जरूरत नहीं है क्या लिखेंगे मोहन हैज गुड फ्रेंड्स क्या लिखेंगे मोहन हैज गुड फ्रेंड्स ठीक है भाई बिल्कुल ठीक कहा राजन शर्मा जी ने सर ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम लिए हेल्पफुल हैं बेटा बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी हो रही है यहाँ पे ठीक है मैं कोई आपको टेंथ या ट्वेल्थ के एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ बोर्ड के पेपर आ गए हैं आपके बेटा तैयारी में लग जाओ ये जो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही हैं ठीक है ना बेटा एस बैंकिंग स्टेट लेवल आप किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश सेक्शन अगर आपको मिलता है तो उसके अंदर यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ आज पहला दिन है एडजेक्टिव का उसके बाद जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो और नई चीजें आपके सामने आती जाएंगी ठीक है बेटा शेयर करते रहो बच्चे कम नहीं होने चाहिए चलो फिर ये तो हो गया एक फंक्शन हमारा एट्रीब्यूटिव ये जो इतनी बात हमने पढ़ी बेटा अभी सारी की सारी ये बातचीत थी हमारी कैसी एट्रीब्यूटिव ये सारी की सारी बातचीत एट्रीब्यूटिव के अंदर जाती है ठीक है अब आता है दूसरा फंक्शन जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव ठीक है प्रेडिकेटिव क्या होता है ध्यान से सुनना प्रेडिकेटिव में क्या होता है कि जो आपका एजेक्टिव होता है ना जो आपका एजेक्टिव होता है ठीक है वो कहां लिखा हुआ मिलता है वो आपको वर्ब के बाद लिखा हुआ मिलता है कहाँ लिखा मिलता है वर्ब के बाद लिखा हुआ मिलता है ठीक है और जब आपको कोई एजेक्टिव वर्ब के बाद लिखा मिलता है तो उसे हम क्या, क्या कहते, है? उसे हम कहते है आ, हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव फंक्शन क्या कहते हैं उसे हम प्रेडिकेटिव फंक्शन ठीक है तो देखो जब नाउन से पहले लिखा मिलेगा तो एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले लिखा मिलेगा तो एट्रीब्यूटिव और अगर वर्ब के बाद लिखा मिलेगा तो कैसा होगा प्रेडिकेटिव वर्ब के बाद लिखा मिलेगा तो प्रेडिकेटिव ठीक है अब एक बात सुन के देखो मैंने आपको एजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको एजेक्टिव की डेफिनेशन ये बताई थी बेटा कि एजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है ठीक है किसकी क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की ठीक है अब अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो भी वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी ही बताएगा और अगर वो नाउन से पहले आ रहा है तो भी वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा चलो देखो यहां पे एक क्वेश्चन है फिर से देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन है शी इज इज अ ब्रेव अब मुझे एक बात बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन सा है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है बताओ बेटा इसमें एडजेक्टिव कौन सा है बिल्कुल संदीप कौर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है बेटा उसको एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के अंदर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं ठीक है वो आगे डिटेल में समझेंगे अपने इसमें एडजेक्टिव कौन सा है तो आप कहोगे सर इसमें एडजेक्टिव है ब्रेव कौन है एडजेक्टिव ब्रेव है ये किसी की क्वालिटी बता रहा है कि वो ब्रेव है ये देखो ये वर्ब आ रही है और वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलता है तो ये हो गया जी हमारा प्रेडिकेटिव क्या हो गया हमारा प्रेडिकेटिव अब एक बात सोच के देखो देखो जब हमने एट्रीब्यूटिव किया था तो हमें नाउन नजर आ रही थी तो इस नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया था आर्टिकल लेकिन यहां पे क्या आपको इस एडजेक्टिव से पहले यहां पे या इट्स एडजेक्टिव के बाद में यहां पे कोई नाउन नजर आ रही है आपको कहीं भी नाउन नजर नहीं आ रही जब आपके पास नाउन है ही नहीं जब आपके पास नाउन ही नहीं है तो फिर आर्टिकल लगाना तो बेवकूफी होगी इसलिए इस सेंटेंस के अंदर जो ये आर्टिकल ए लगा हुआ है ये गलत है क्योंकि हमारे पास कोई नाउन ही नहीं है हमारे पास कोई नाउन ही नहीं है तो क्या लिखेंगे सीधा लिखेंगे शी शी इज इज ब्रेव ब्रेव क्या लिखेंगे She is brave. बात खत्म हुई ठीक है भाई बात खत्म हुई अब आपको समझ आ गया कि ऊपर वाले क्वेश्चन में नाउन होने की वजह से आर्टिकल लगा था लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में प्रेडिकेटिव फंक्शन में नाउन है ही नहीं और जब नाउन ही नहीं है तो फिर आर्टिकल की जरूरत भी नहीं है बात खत्म क्लियर होगी बात बेटा बताओ एक बार फटाफट से क्लियर होगी बेटा जल्दी से बताओ एक बार अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है राहुल सीम्स एन एंग्री सीम्स एन एंग्री इसमें बताना कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है इसमें बताओ बेटा कौन सा एडजेक्टिव है एंग्री an इसमें एडजेक्टिव कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताओ वेरी गुड बच्चा बिल्कुल सही बता रहे हो कि यहाँ आर्टिकल ए जो है वो नहीं आएगा ठीक है ना आर्टिकल ए नहीं आएगा अब मुझे वेरी गुड <coughs> <Very good. coughs> तो देखो एंग्री क्या है एजेक्टिव है ये सीम्स क्या है ये वर्ब है और अगर आप वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव मिल रहा है <coughs> वर्ब के बाद अगर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है तो ये एडजेक्टिव का कौन सा फंक्शन हुआ ये हो गया एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव फंक्शन और प्रेडिकेटिव फंक्शन में नाउन ना होने की वजह से हम इस आर्टिकल को भी नहीं लिखेंगे ठीक है हम इस आर्टिकल को भी नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे राहुल सीम्स एंग्री क्या लिखेंगे राहुल सीम्स एंग्री बात समझ में आ गई बेटा सबको देखो हम पढ़ क्या रहे थे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको थोड़ा सा ट्रैक पर लेकर आता हूं देखो जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना उस टॉपिक के अंदर ग्रामर सारी लग जाती है सारी की सारी ग्रामर लग जाती है उसमें वर्ब भी आएगी नाउन भी आएगा प्रोनाउन भी आएगा एडजेक्टिव भी आएगा एडवर्ब भी आएगी सारा कुछ आता है लेकिन हम सारी चीज़ें एक टाइम पर नहीं पढ़ सकते हम सारी चीज़ों को एक टाइम पे नहीं पढ़ सकते कि मैं एक ही दिन की क्लास में आपको यह भी बता दूं कि बेटा वर्ब क्या होती है नाउन क्या होती है एडजेक्टिव क्या होता है एडवर्ब क्या होती है फिर तो खिचड़ी बन जाएगी फिर तो खिचड़ी बन जानी है कुछ समझ नहीं आना लेकिन ये दो तीन चीज़ें जो है ना ये पैरल चल सकती हैं अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने आज सिर्फ एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा आज हमने सिर्फ एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा हमने तीन टॉपिक को साथ में लेके चले हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा नाउन नाउन को पहचानते कैसे हैं जब हमें नाउन को पहचानना समझ आया तो हमें एडजेक्टिव समझ में आ गया और जब हमें एडजेक्टिव समझ में आया तो हमें ये भी पता लग गया कि ये आर्टिकल लगाने का क्या सिस्टम होता है ठीक है भाई जब हमने एडजेक्टिव को समझा तो हमें यह भी समझ आ गया कि आर्टिकल लगाने का क्या सिस्टम होता है कौन से एडजेक्टिव के कौन से फंक्शन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं ठीक है एट्रीब्यूटिव में आर्टिकल लग सकता है लेकिन कब जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगी ठीक है और अगर आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आ जाए फिर आर्टिकल नहीं लगेगा और फिर आर्टिकल नहीं लगेगा तो बात मतलब समझ आ गई क्लियर हो गया तो देखो नाउन भी चल रहा है एडजेक्टिव भी चल रहा है आर्टिकल भी चल रहा है इसको बोलते हैं लर्निंग इसको बोलते हैं सीखना ठीक है यहां पे कोई रोल नहीं है मैं आपको कोई रूल नहीं लिखा रहा बैठ जाओ बेटा लिखो रोल नंबर फर्स्ट और रोल नंबर फर्स्ट के अंदर आप ये चीज पढ़ रहे हो रोल नंबर टू में आप ये पढ़ रहे हो रोल नंबर थ्री में आप ये पढ़ रहे हो नहीं वो रीडिंग नहीं करनी आपको आपको जो सीखने वाला काम करना है ना वो इतना अच्छे से सीखना है कि बस एक बार ही सीखना पड़े बस उसके बाद तो सीधा पेपर और पेपर पास बस इतना सा काम करना है और देखो जो चीजें आप पढ़ रहे हो क्लास के अंदर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि जो पढ़ रहे हो वही पेपर में आएगा जो भी चीज आप पढ़ रहे हो मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाने वाला क्लास के अंदर जो आप सर ये पेपर में आएगी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए सर आपकी ये पेपर में आएगी ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा जो भी पढ़ोगे सारा का सारा पेपर में आएगा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बस जी जान लगा के पढ़ना है ठीक है और जी जान लगा के पढ़ोगे तो मजा भी आएगा पढ़ने का तो ये था छोटी सी डिस्कशन थी हमारी सबसे पहले डिस्कशन हमने की कि एडजेक्टिव का सर नाउन से पहले कितने एडजेक्टिव आ सकते हैं बेटा अभी जब टाइप्स पढ़ेंगे तो सारे बता दूंगा कौन कौन से नाउन से पहले आ सकते हैं ठीक है ना बेटा संदीप कौर अभी जब टाइप पढ़ने का काम करेंगे ना अपने तो अभी आपको पता लग जाएगा कौन से एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं ठीक है अभी सारी डिस्कशन करेंगे हम बिल्कुल टेंशन फ्री होके क्लास लगाओ बिल्कुल ठीक है और मैं आपको ये बात कह रहा था कि अभी देखो हमने क्या पढ़ा एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी तो डेफिनेशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है ठीक है अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर होगी कि एडजेक्टिव आपको सेंटेंस में दो जगह लिखा मिल सकता है या तो किसी भी नाउन से पहले या फिर किसी भी वर्ब के बाद में ठीक है आपको ये मत कह देना कि सर नाउन से पहले ही आता है वर्ब के बाद में नहीं आता तो दोनों बता दिए मैंने आपको कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है प्रेडिकेटिव क्या होता है ठीक है भाई क्लियर होगी बात यहां तक अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं तो हमें पढ़ने पड़ते हैं टाइप्स क्या पढ़ने पड़ते हैं टाइप्स कि एडजेक्टिव जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं तो एडजेक्टिव के टाइप्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि टाइप समझ में आएगा तो उसका क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा देखो मैं बार बार एक बात पे बड़ा ही ज्यादा फोकस करता हूं वो ये है कि पढ़ना अलग चीज है पढ़ना अलग चीज़ है पढ़ी तो आपने बेटा इंग्लिश बहुत है ठीक है बहुत सारे यूट्यूब चैनल है बहुत सारे टीचर्स हैं बहुत जगह आप पढ़ भी चुके हो ऑलरेडी ठीक है संदीप कौर जो है शायद ये पहले भी कहीं से पढ़ चुके होंगे ठीक है तभी ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ठीक है आपने पढ़ा बहुत जगह से है लेकिन मेन जो प्रॉब्लम पता है क्या है हमें ये नहीं पता कि सर पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है पढ़ना तो पता है लेकिन छोड़ना क्या है ये नहीं पता ठीक है अब कोई भी आता आपको रटवाता है कि बेटा ये रट लो ये रट लो ये रट लो तो रटने से काम नहीं चलेगा जब तक आप चीजों को सीखने का काम नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा सीखने के अंदर और सीखने के लिए चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझना जरूरी होता है ठीक है चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो है जी हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ठीक है आज मैं आपको सारे टाइप्स तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है हमारा वन आवर का ही होता है ठीक है लेकिन जितने भी टाइप करवाऊंगा वो बहुत अच्छे से करवाऊंगा उनके क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा पूरी नॉलेज आपको मिलेगी ठीक है बेटा तो देखो पहला टाइप जो आता है इसका नाम क्या लिखा है देखो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या नाम लिखा है इसका प्रॉपर एडजेक्टिव ठीक है प्रॉपर पट ठीक है वो प्रॉपर है ये तो ये प्रॉपर एग्जिक्टिव है तो मुझे एक इस नाम को सुनते ही मुझे एक टाइप याद आता है मैंने नाउन में पढ़ा था एक टाइप मुझे नाउन में याद आता है कि नाउन में कोई ऐसा टाइप होता है क्या बताना मुझे एक बार क्या नाउन में कोई ऐसा टाइप होता है नाउन का एक बार बताना मुझे बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव तो आपने सुन लिया क्या प्रॉपर ना नाउन भी होता है तो क्या प्रॉपर नाउन भी होता है बेटा तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल होता है प्रॉपर नाउन भी होता है तो देखो एक होती है प्रॉपर नाउन एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव अब ध्यान से सुनना बड़ा मजा आएगा आपको क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको आती हैं ये आपको आती हैं बस आपको मन में एक डर है कि सर इंग्लिश सर इंग्लिश सर इंग्लिश होता कुछ भी नहीं है सारा आता है हमें ठीक है अब देखो मैंने आपको एग्जेक्टिव बाद में पढ़ानी है पहले मैं आपको एक नाउन दे रहा हूं देखो मैंने लिखा इंडिया एक बच्चे ने भी अभी कमेंट में लिखा मैं भी लिख देता हूं इंडिया ठीक है अब इंडिया इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन ठीक है ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉपर नाउन है ये एडजेक्टिव नहीं है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये नाम है किसी देश का किस देश का हमारे देश का नाम है भाई और ये इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन है अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो प्रॉपर नाउन है इसी से आपको एडजेक्टिव बनाना है इसी का यूज करके आपको एडजेक्टिव बनाना है तो आपने क्या किया आपने बना दिया जी इंडिया से क्या बना दिया इंडियन क्या बना दिया इंडियन लॉजी एडजेक्टिव बन गया पहले ये प्रॉपर नाउन थी अब ये बन गया प्रॉपर एक्जेक्टिव बात समझ आ गई अब इसी तरीके से आप बना सकते हो देखो आपके सामने कुछ भी लिख दें, लो जी मैंने लिख दिया अमेरिका मैंने लिख दिया अमेरिका तो आपने क्या लिख दिया अमेरिकन है ना क्या लिख दिया अमेरिकन ठीक है अमेरिकन लिख दिया समझ आ गई बात अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना आपके साथ की प्रोनाशिएशन को लेकर मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग प्रोनन्सिएशन गलत करते हैं ये प्रोनउंसिएशन वाला चक्कर जो है ना ये इंडिया में ज्यादा होता है ठीक है हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला टोक देता है हमें कि बेटा ये ऐसे नहीं बोलते ऐसे बोलते हैं ठीक है आपको पता है जब इंग्लिश बना रहे थे अंग्रेज जब इंग्लिश अंग्रेज बनाने बैठे बुला लिया सबको भाई आ जाओ हम इंग्लिश बनाई हमने और आज से तुम ये वाली इंग्लिश पढ़ोगे है ना आज हम इंग्लिश बना रहे हैं अंग्रेज कहते हैं बैठ जाओ सारे के सारे यहाँ पे और आज से तुम ये वाली इंग्लिश पढ़ोगे ठीक है अंग्रेज ने कहा एक वर्ड होता है हैरिस ठीक है एक वर्ड होता है हैरिस ठीक है अब जैसे अंग्रेज ने बोला हैरिस तो एक यूएसए का बंदा खड़ा हो गया भाई कहता हैरिस नहीं बोलेंगे हम तो हरास बोलेंगे क्या बोलेंगे हम हरास बोलेंगे कहता नहीं कहता हमने इंग्लिश बनाई हैरिस बोलना है तो हैरिस बोलना है वो कहता नहीं यूएसए वाला कहता नहीं हम तो हरास बोलेंगे कहता यार ऐसे कैसे कहता हमारे देश की जनसंख्या फिफ्टी मिलियन ठीक है फिफ्टी मिलियन जनसंख्या है हमारी हम तो ऐसे ही बोलेंगे तो भाई तब से क्या हुआ कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बोले जाने लगा वो बोल रहे हैं हैरस वो बोल रहे हैं हरास ठीक है अब जो इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो भाई अपने सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं अपने सबसे ज्यादा सुपीरियर हुए फिर तो क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है तो इसलिए बोलते टाइम घबराया मत करो बेटा जो मन में आए बोल दिया करो ठीक है जो मन में आए बोल दिया करो जब अमेरिका वाले फिफ्टी मिलियन होकर ही कह रहे हैं कि हम जैसा चाहें वैसा बोलेंगे तो अपने तो बहुत हैं ठीक है और अपने जैसा बोलेंगे फिर वैसे ही चलेगी इंग्लिश थोड़े दिनों में एक ऐसा एक्सेंट आएगा आप कहोगे ये इंडियन एक्सेंट है ठीक है ये इंडियन एक्सेंट है पोटैटो 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 ठीक है कुछ भी बोलो मजा आएगा ठीक है तो इंडिया से क्या बन गया इंडियन अमेरिका से बन गया अमेरिकन इसी तरीके से और बना लो लो जी आपकी फेवरेट कंट्री चाइना से क्या बन जाएगा चाइनीज ये आपकी फेवरेट कंट्री एक और है रशिया ठीक है और रशिया से क्या बन जाएगा रशिया से बन जाएगा रशियन क्या बन जाएगा रशियन ठीक है भाई तो ये रशियन हो गया जी बात समझ में आ गई तो देखो किसी भी प्रॉपर नाउन को जब आप मॉडिफाई कर देते हो एक्टिव के अंदर दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एक्टिव ठीक है तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर भाई बात समझ में आ गई अब ये प्रॉपर एजेक्टिव बन गए चलो ठीक है सर बन गए कोई दिक्कत नहीं है अब देखो प्रॉपर एक्जेक्टिव और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर नाउन में और प्रॉपर एक्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है सिंपल सी बात है ये नाउन है ठीक है हाँ, जो भी बोलो यार अपनी मर्जी है क्या दिक्कत है ठीक है अब थोड़ी दिनों में फिर अपने ऐसे क्या करेंगे तो कोई टोके ना आपको आप कह देना ये इंडियन एक्सेंट है हम तो ऐसे ही बोलेंगे ठीक है भाई हम तो ऐसे ही बोलेंगे ठीक है इंडिया इंडियन अमेरिका अमेरिकन अब देखो ये क्या होता है कि ये हमारी क्या है ये हमारी प्रॉपर नाउन है और ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर क्या है एडजेक्टिव है अब यहां पे एक सोचने वाली बात है चलो एक चीज मैं आपको लिख के पूछ लेता हूं वैसे ही अगर मान लो ऐसा लिखा आ जाए अगर मान लो ऐसा लिखा आ जाए इंडियन और यहां पे लिखा आ जाए इंडियंस और लिखा आ जाए फिलोसफी क्या ये सही है या गलत है बताना एक बार बेटा अगर ऐसा लिखा आ जाए इंडियन एपोस्ट्रॉफे फिलोसफी ठीक है तो बताओ ये सही है या गलत है वेरी गुड रोजी रानी ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउ बिल्कुल सही बताया आपने ये बताओ बेटा जो मैंने लिखा है इंडियन एपोस्ट्रॉफे एस फिलोसफी क्या यह सही है या गलत है तो अगर आपने कभी भी नाउन पढ़ा है तो आपको पता होगा यह एपोस्ट्रोफे एस जो हम लगाते हैं ये बेटा एस जो हम लगाते हैं ना ये नाउन के साथ लगता है किसके साथ लगता है नाउन के साथ लगता है ठीक है ना और जब नाउन के साथ लगता है ठीक है जब नाउन के साथ लगता है बेटा तो जब नाउन के साथ लगता है तो इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है तो इसके साथ ये एस लगा हुआ क्या है गलत है ठीक है यह लिखना गलत है समझ आ गई बात तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम सीधा लिख सकते हैं इंडियन फिलोसफी क्या लिख सकते हैं इंडियन फिलोसफी ठीक है यह सही है चलो एक और बताना है, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंडियंस फिलोसफी क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इंडियंस फिलोसफी बताओ बेटा क्या ऐसा लिखा जा सकता है इंडियंस फिलोसफी जल्दी बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा लाइक like शेयर करते जाओ जिन बच्चों ने शेयर कर दिया है वो ठीक है लाइक like नहीं किया लाइक like कर दो वीडियो को जो भी नए हैं आपको बता दूं कि सवा सात बजे डेली क्लास हुआ करेगी बेटा आपकी और आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एजेक्टिव का ठीक है आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एजेक्टिव का और एक्जेक्टिव का टॉपिक चल रहा है हमारा ओके बेटा अब देखो यहाँ पे लिखा है इंडियंस फिलोसफी तो बेटा ये लिखना गलत है क्योंकि किसी भी प्रॉपर एडजेक्टिव को कभी हम प्लूरल नहीं करते हैं हम प्लोरल करते हैं नाउन को किसको प्लोरल करते हैं नाउन को प्लोरल किया जाता है कभी भी किसी एडजेक्टिव को प्लोरल नहीं किया जाता ठीक है ना कभी भी किसी एडजेक्टिव को प्लोरल नहीं किया जाता हम प्लोरल करने का काम जो है वो नाउन को करते हैं ठीक है बच्चे इसलिए ये लिखा हुआ भी क्या है गलत है अब ये प्लोरल करने वाली बात मैंने आपको क्यों बताई इसका रीजन है देखो इसका एक छोटा सा रीजन है वो सुन लेते हैं अपने देखो जब आपने नाउन पढ़ा था कभी भी तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था देखो ये वाला मैंने एक सेंटेंस लिखा था ये वाला शी सो सिक्स फीट स्नेक ठीक है ये नाउन के अंदर मैं पढ़ाता होता हूं एक बार ध्यान से सुनना ठीक है ये मैं नाउन में पढ़ाता हूं अब नाउन में जब हम इसे पढ़ते हैं तो मैंने आपको कहा था बेटा देखो जब भी कोई जब भी कोई नंबर आ जाए नंबर के बाद में कोई भी यूनिट आपको लिखी हुई मिल जाए और उसके बाद अगर आपको कोई नाउन लिखी हुई मिल जाए तो इस यूनिट को हम हमेशा सिंगुलर लिखते हैं तो ये फीट लिखा हुआ गलत है यहां पे हम लिखेंगे फुट क्या लिखेंगे फुट लिखेंगे ये ऐसा रूल आपको मैं नाउन में पढ़ाता होता हूं लेकिन जब मैं नाउन में ये चीज पढ़ाता हूं जब मैं नाउन में ये बात पढ़ाता हूं तो सिर्फ मैं इसको रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं कि सबसे पहले नंबर आ जाए फिर यूनिट आ जाए और फिर उसके बाद नाउन आ जाए तो यूनिट को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं जैसे मान ली एक और सेंटेंस लिख देता हूं जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दे दे, बोट, और उसके बाद मैंने लिख दिया टेन इंचेस और यहां लिख दिया मैंने पाइप ठीक है पाइप्स ठीक है अब ये पाइप्स क्या होगी नाउन हो गया ये इंचेस क्या हो गया ये आपका यूनिट हो गया और ये टेन क्या हो गया ये आपका नंबर हो गया तो मैंने आपको रूल बताया कि नंबर आ जाए यूनिट आ जाए और फिर नाउन आ जाए तो इस यूनिट को हम क्या करते हैं सिंगुलर लिखने का काम करते हैं यानी इंचज नहीं क्या लिखेंगे इंच लिखेंगे ठीक है भाई इंचज नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे इंच लिखेंगे क्लियर होगी बात अब यहां पे यह चीज आपको रूल के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गई चलो ठीक है सर ऐसा आ गया तो हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इस चीज का हम रीजन जानने की कोशिश करें कि भाई ऐसा होता क्यों है ये जो रूल बना ये क्यों बना इस रूल का बनने का कारण क्या था कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि देखो ये नाउन है ये क्या चीज है नाउन है और नाउन से पहले जो कुछ भी आता है वो एजेक्टिव होता है नाउन की क्वालिटी बताने के लिए जो वर्ड नाउन से पहले आता है वो एजेक्टिव होता है और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता किसी भी एजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता तो इसलिए हमने इनको क्या कर दिया सिंगुलर बनाने का काम कर दिया ठीक है फीट को क्या लिख दिया फुट लिख दिया और यहां पे इंचेस को क्या लिख दिया इंच लिख दिया बात खत्म हो गई ठीक है रीजन समझ में आ गया क्यों लिखा हमने ऐसा क्योंकि नाउन से पहले ये वर्ड आ रहे हैं तो ये एजेक्टिव हैं और अगर ये एजेक्टिव हैं तो इसका मतलब इनका प्लूरल नहीं होगा ठीक है इनका प्लूरल नहीं होगा बात समझ में आ गई चलो जी अब एक और बात देखो कभी कभी आप मार्केट जाते हो शूज लेने के लिए जाते हो क्या लेने के लिए जाते हो शूज ठीक है भाई ये देखो ये जो नाउन है ना शूज इसको हम हमेशा शूज ही लिखते हैं इसको हम हमेशा शूज ही लिखते हैं कारण तो आपको ये भी मैंने नाउन में पढ़ाया था कि कोई भी ऐसी नाउन जो पेयर में होती है जो पेयर में हम यूज करते हैं जैसे आपके हाथों में बैंगल्स हैं आपके कानों में ईयर रिंग्स हैं आपके पैरों में शूज है चप्पल्स है सैंडल्स है ठीक है ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें जो हैं जो पेयर में यूज की जाती हैं उनको हम हमेशा प्लोरल में लिखने का, लिखने का काम करते हैं तो शूज को हम हमेशा शूज ही लिखते हैं लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप शूज कहां से लाए तो आप कहते हो कि सर हम शू शू लाए लाए शूज लाए कहां से शू मार्केट से ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शूज कहां से लाए तो आप कहते हो कि सर हम शूज लाए कहां से शू मार्केट से तो यहां पे हम शू लिखते हैं ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण क्या है कि ये जो मार्केट आपने लिखा है ना ये नाउन है और यहां ये मार्केट से पहले जो शू लिखा हुआ है अब ये नाउन का काम नहीं कर रहा ये नाउन से पहले आकर काम किसका कर रहा है एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका मतलब इसको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं ठीक है भाई इसलिए हम इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं क्लियर होगी बात बताओ भाई हाँ बिल्कुल संदीप कौर जैसे सीजर्स होता है बाइनिकुलर होता है टोंग्स होता है ये सारे प्लूरल में लिखे जाते हैं लेकिन जब आप इसके साथ मार्केट जोड़ देते हो तो क्या बोलते हैं शू मार्केट और शू मार्केट बोलते टाइम ये शू जो है ये का काम करता है इसलिए हम इसे प्लूरल में शूज नहीं लिखते हैं क्लियर होगी बात समझ आ गई भाई सबको बताओ एक बार फटाफट से मैसेज करके बताओ प्रॉपर एडजेक्टिव की कहानी क्या होती है समझ में आई सबको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा एक बार फटाफट से चलो जी वेरी गुड सर ये जो है एम एस गेमर वाइटी इसको ब्लॉक कर दो चलिए जी ठीक है भाई सबको समझ में आ गया वेरी गुड तो देखो आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है अगर आप कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अगर, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से ठीक है एक एक चीज को क्लियर करना चाहते हो तो ये मेरा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है 19 फरवरी से ठीक है भाई 19 फरवरी से ये बैच लॉन्च हो रहा है इसकी वैलिडिटी है सिक्स मंथ की और इसकी फीस सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल लोवेस्ट फीस है बेटा इसकी सिर्फ एट ठीक है मतलब नौ सौ रुपये में पूरी की पूरी कंप्लीट इंग्लिश आपको मिल रही है नौ सौ रुपए के अंदर हमने पहला फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था ये मेरा दूसरा फाउंडेशन बैच है ठीक है पहला फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था काफी बच्चों ने इसमें ज्वाइन किया था लगभग ढाई सौ तीन सौ बच्चों ने ठीक है और इस बार जो है ये मुझे लगता है इसमें और ज्यादा बच्चे इनरॉल्व होंगे क्योंकि ये बैच बैच जो होता है ना इसमें बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ इस बैच की खास बात यह है कि आप अगर लाइव क्लासेस चाहते हो तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आप अगर चाहते हो कि सर सारा का सारा मटेरियल मुझे रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा नौ सौ रुपये बेटा इसकी फ़ीस है बिल्कुल और इसकी वैलिडिटी कितनी है छः महीने की अगर छः महीने को नौ सौ से आप कैलकुलेट करके देखो तो भाई एक महीने में सिर्फ आपसे डेढ़ सौ रुपये तो लिए जा रहे हैं ठीक है इतनी कम फीस के अंदर इतना मटेरियल आपको मिलेगा कि आप देख के हैरान हो जाओगे यार नौ सौ रुपये में इतना सारा मटेरियल सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको वोकैब भी मिलेगी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड बैच ठीक है रिजल्ट की गारंटी है इस बैच के अंदर जिस बच्चे ने यह बैच लगा लिया जिस बच्चे ने इंग्लिश अच्छे से कर ली उसका रिजल्ट हंड्रेड आएगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है ठीक है भाई तो अगर आप ने ये बैच ले रखा है ऑलरेडी तो आप अपने दूसरे दोस्तों को या आपके फ्रेंड्स जो कहीं पढ़ रहे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है और वो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए इंग्लिश की वजह से उनका पेपर पास हो जाए तो आप उन्हें ये रेफर कर सकते हो ठीक है कि आप इस बैच में इरोलमेंट ले लीजिए जल्दी से जल्दी हाँ बिल्कुल बेटा कोई भी इनरोलमेंट ले सकता है इसके अंदर सिर्फ नौ सौ रुपये फीस है इसकी और छः महीने चलेगा इसके अंदर पूरी की पूरी वोकैब ई डी वन वर्ड सारी क्लासेस होती हैं रेगुलर होती हैं ठीक है लाइव सेशन चलते हैं इसके अंदर ठीक है लाइव सेशन चलते हैं इसके अंदर और ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है एस के लिए बैंकिंग के लिए सी सेट के लिए जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं उन सभी के लिए ठीक है बेटा तो उन्नीस फरवरी तक आपको इसमें एडमिशन लोगे तो नौ सौ रुपए फीस है अदरवाइज इस बैच की जो फीस है वो पच्चीस सौ रुपए है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीस है इसकी ठीक है वैसे तो ये ऑफर प्राइस है अभी नौ सौ रुपए ठीक है तो चलिए मिलते हैं आपसे कल सवा सात बजे तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास शेयर कर दिया करो क्लास का लिंक जैसे ही आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर तब भी उसको शेयर कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास अटेंड करने का मौका मिल सके ठीक है तो कल मिलेंगे सवा सात बजे आपसे और इस एब्जेक्टिव के टॉपिक को ठीक है इस एब्जेक्टिव के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे ओके बच्चे बेटा बहुत सारी पोस्ट आने वाली है इस पर हमने वीडियो बनाया था यूट्यूब पर पड़ा हुआ देख लीजिए अभी बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं आप अपनी तैयारी कीजिए अपने आप को रेडी रखिए पेपर बहुत है बेटा एग्ज़ाम बहुत हैं ठीक है आप प्लस टू पास हो तो अभी एस एस सी का जो एग्ज़ाम निकला है इसको फिल करो ठीक है पंजाब स्टेट के लिए बैठे मत रहो सी का एग्ज़ाम फिल करो बाकी जो एग्ज़ाम निकलते हैं उनको भी फिल किया करो सारे ठीक है बेटा ओके बाय बाय टेक केयर गुड नाइट कल मिलते हैं